आप कंगना रनावत पे और पाकिस्तान चीन पे या फलना फलना पे बोल सकते हैं, किसान आंदोलन पे बोल सकते हैं और दूसरा चीज पे बोल सकते हैं, शराबबंदी पे बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप बी का परीक्षा घोषित नहीं हो रहती थी उस पर आप नहीं बोल सकते हैं। और हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक है देश के, आप लोग आपसी मतभेद भुलाइए और छात्र हित में आप डिसीजन लीजिए और छात्र हित के लिए आप एकजुट होइए और आवाज उठाइए। आखिर शिक्षक है किस लिए? छात्र की वजह से शिक्षक है, चाहे कोई भी शिक्षक हो, छात्र की वजह से है। आप जो भी YouTube पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो किसकी वजह से कमा रहे हैं? छात्र की वजह से कमा रहे हैं। अगर दिल से समर्थन नहीं कर रहे हैं छात्रों का तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज न कल वो चीज उजागर हो जाएगा। और दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है। जब हम नीतीश कुमार जी से नहीं डरते, इतना बड़ा तानाशाह से नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरते हैं, तो हम किसी से डरते नहीं। जो सच्चाई होगा उसको हम दिलीप कुमार बोलने से नहीं डरता है। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि कहीं कैंसिल ना हो जाए। अगर कैंसिल नहीं भी होती है ना, तो हो सकता है सीट कम ना कर देती। तो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग उतर सड़क पे नहीं उतरते हैं, इसी तरह अगर घर बैठे रहते हैं ना दूसरे की आस में कि शिक्षक लोग बोलेंगे तब हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या शिक्षक लोग आपको वैकेंसी आई थी तो फॉर्म भरने के लिए बोले थे? शिक्षक लोग आपको घर जाके बोले थे क्या, ये मेरे कोचिंग में एडमिशन लीजिए? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और आपको डर किस बात का है? सड़क पे उतरिए। छात्र हित के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो, चाहे कोई भी शिक्षकगण हो। अगर छात्र हित की बात वो नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है, ना ही उनका समर्थन करेंगे। और जो अति करेंगे हम उनका नाम भी सार्वजनिक कर देंगे कि ये लोग आके सिर्फ छात्रों को गुमराह करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। देश में सबसे बड़ी भर्ती कहें तो रेलवे के द्वारा ली जाती है। लाखों लाख कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। ग्रुप डी परीक्षा 3 सालों से लंबित है, एग्जामिनेशन का डेट भी नहीं दिया गया है। और ये देश के गरीब सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के द्वारा सबसे पसंदीदा उनका एग्ज़ाम है, क्योंकि उनकी एक तरह से कहें आर्थिक स्थिति और उनकी जो परिवेश होता है वो इससे ऊपर की तैयारी करने की इजाज़त नहीं दे पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि ट्विटर आंदोलन चला और उसके बाद जो ये यूट्यूब वाले महामंडलेश्वर हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो 3-3 घंटा की मैराथन बैठक करते हैं, 2-2 घंटे की मैराथन बैठक अलग अलग करते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि आगे सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए। तो हमारे साथ हैं दिलीप, और दिलीप से बात करेंगे। दिलीप, ये सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है, सरकार तो भूल ही गई है इसको। जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं, उनकी मंडली बैठती है, 3-3 घंटे बैठती है, 2-2 घंटे बैठती है, लेकिन एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। वो दुनिया भर की बात कैमरे में स्टूडियो से करते हैं, लेकिन एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि आखिर 1.5 करोड़ छात्रों के लिए कैसे दबाव बनाया जाए सरकार पर। देखिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। और जितने भी शिक्षकगण हैं, पटना के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, राजस्थान, यानी देश भर के शिक्षकगणों को इस पर एकजुट होकर छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक है देश के, आप लोग आपसी मतभेद भुलाइए। अगर किसी बात को लेके हो आपसी मतभेद हुई तो उसको भी भुला दीजिए और छात्र हित में आप डिसीजन लीजिए और छात्र हित के लिए आप एकजुट होइए और आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर शिक्षक सड़क पे ही आ जाए, आपकी अपनी मजबूरियाँ होगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आवाज़ तो आप लोग उठाइए। और अभी जो मुझे पता चला है, जहाँ तक कि देश भर के शिक्षकगणों के बीच आपसी जो है मीटिंग हो रही है, तो ये अच्छी बातें होनी चाहिए। और हम लेकिन दिलीप जी, मीटिंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन आगे यही वाला बना हुआ है। डर रहे हैं सब लोग, कोचिंग ना प्रभावित हो जाए, कोई सारा सिंपैथी दूसरा ना ले जाए, ये भी डर है कि कहीं दिलीप ना हीरो बन जाए उसमें छात्रों का आवाज़ उठा के। तो क्या दिलीप फिजिकल प्रोटेक्शन के जो फिजिकल आंदोलन है उसके लिए आप तैयार होते हैं, तैयार हो सकते हैं? क्या आप ये बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं कि छात्रों के लिए आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किन्हीं भी शिक्षकगण से मेरी कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, क्योंकि वे शिक्षक है, मैं छात्र हूँ, मैं सुनता हूँ। हाँ, तो आपको हो सकता है इंटरनल पता चला हो, लेकिन मेरा किसी भी शिक्षकगण से ना तो दिल से कुछ ऐसा मतभेद है, ना ही वैसे मतभेद हैं। मैं सभी शिक्षकगण का आदर करता हूँ, लेकिन हाँ, जो भी शिक्षक हो, चाहे वो कितना बड़ा भी यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन में हो, अगर छात्र हित के साथ कोई समझौता वाली बात होगी तो दिलीप कुमार वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी शिक्षक हो। आखिर शिक्षक है किस लिए? छात्र की वजह से शिक्षक है, चाहे कोई भी शिक्षक हो, छात्र की वजह से है। आप जो भी YouTube पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो किसकी वजह से कमा रहे हैं? छात्र की वजह से कमा रहे हैं। आज 3 साल हो गया है NTPC और ये ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ। अब कितने शिक्षक होंगे, हजारों शिक्षक होंगे देश भर में, जो इसी वैकेंसी के लिए कई बार कोर्स चला चुके होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि शिक्षक ये छात्रों के लिए एक बार आवाज़ उठाए? वो अगर आप सड़क पर नहीं उतर सकते हैं तो ठीक है,
आप ऑनलाइन ही जो भी डिजिटल करना है उसमें ही आप एक साथ सब लोग कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ कीजिए, जिस तरह से एनटीपीसी के लिए हुआ था, दिल्ली से शुरुआत हुई लेकिन एक एक चैनल पे एक शिक्षक ने कहा और उसका देखा देखी पूरे देश के शिक्षकों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया, तो आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है ग्रुप डी के लिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप सभी लोग साथ दीजिए और जो भी मीटिंग कर रहे हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो भी शिक्षकगण इसमें शामिल हैं धन्यवाद देते हैं कि एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, और देश के तमाम शिक्षकगणों से भी हम अपील करें कि आप लोग एकजुट होइए, क्योंकि आपकी जो जो भी आपका है पहचान है, आपकी जो छवि है, जो भी है उस छात्रों की वजह से है, अगर छात्र नहीं तो शिक्षक का कोई महत्व नहीं है। तो हम आदर करते हैं सभी शिक्षकगणों का और सभी से हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लोग एकजुट हो जाएंगे और हो भी रहे हैं, और जो लोग भी इसमें लगे हुए एकजुट करने में उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको दिल से प्रणाम करते हैं। और साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी टीचर अगर दिल से समर्थन नहीं कर रहे हैं छात्रों का तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज न कल वो चीज़ उजागर हो जाएगा। और दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है, जब हम नीतीश कुमार जी से नहीं डरते, इतना बड़ा तानाशाह से नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरते हैं, तो हम किसी से डरते नहीं, जो सच्चाई होगा उसको हम दिलीप कुमार बोलने से नहीं डरता है, जो सच होगा उसको हम छात्रों के बीच रखेंगे। और अभी तक हम बर्दाश्त इसलिए कर चुके हैं क्योंकि बहुत सारे शिक्षकगणों ने ही हमसे कहा था कि हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, सर्वसम्मति से कोई डेट अनाउंस करेंगे, हमने कहा ठीक है आप लोग कीजिए, हम उसमें समर्थन करेंगे आंदोलन का, लेकिन अगर हम तीन महीना से ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और टोकना चाहूँगा, आप दरोगा का आंदोलन करते हैं, बीएसएससी का आंदोलन करते हैं, सिपाही के लिए किए हैं, आप रेलवे का भी पहले किए हैं, आप किसी शिक्षक से नहीं इसका ये करते हैं बातचीत की हाँ उनके परमिशन से होगा, आप लोग अपने छात्रों के बीच में फैसला करते हैं, लेकिन रेलवे में ये ठेकेदार कैसे बन गए कि ये शिक्षक बैठ रहे हैं तीन तीन घंटा ऑनलाइन पूरे देश के शिक्षक और तब कोई फैसला नहीं निकाल पा रहे हैं? आपको मैंने देखा है कि पाँच मिनट के आप लोग बात में फैसला कर लेते हैं, कल भी दो घंटे की बात हुई है जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, लेकिन ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्या शिक्षकों के हाथ में 1.5 करोड़ छात्र जो हैं वो आ चुके हैं और ये इन्हें रोक रहे हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए? देखिए ऐसी बात नहीं है, कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जहाँ तक फिजिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं, लीड करने के लिए नहीं हो रहा है। देश का कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी नेता, कोई भी छात्र संगठन, कोई भी छात्र नेता, कोई भी युवा नेता जो टीवी चैनल पे आके बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, जिसको जो भी हो, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, कोई भी छात्र नेता, पूरे हिंदुस्तान का हम बात कर रहे हैं, कोई भी छात्र नेता हो या पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो या छात्र संगठन, क्या उनको 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स का दर्द नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं आगे आके आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है या सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं? और दिलीप कुमार जब आवाज़ उठा रहा है तो नेता बनने के लिए दिलीप कुमार कर रहा है, गजब हाल है इस देश का यार, तो इसके लिए दोषी कौन है? हम छात्र दोषी है कि एक तो कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है, और जब दिलीप कुमार उठाने के लिए तैयार हो रहा था उसको पैर खींच रहे हो, कम अगर खींचना ही है तो हाथ खींचो ना यार, हाथ खींचो, हाथ नहीं खींच सकते तो पैर मत खींचो। हम कुछ दिन और इंतज़ार कर रहे हैं, अगर शिक्षक गणों से हम अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग सर्वसम्मति बना लीजिए, चूँकि हम लोग आप लोग का इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, अभी तक हमने जो भी आंदोलन किया है आपने सही कहा, हमने किसी से परमिशन नहीं लिया है, हमने छात्रों के बीच मीटिंग की और छात्रों ने जो डेट तय किया उस डेट को हमने आंदोलन किया, और मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला आंदोलन रेलवे को लेकर ही था, भले ही बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, जब 2018 में रेलवे ग्रुप डी में ITI कर दिया गया था उस समय हमने ही आंदोलन किया था, यहीं से गोपाल मार्केट यही है, और कारगिल चौक पर लाठी भी खाई थी, उसके बाद हट भी गया था ग्रुप डी से ITI, तो हमने उस समय किसी से परमिशन नहीं लिया था, छात्रों की बात पे हमने आंदोलन किया था, तो आज भी हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शिक्षकों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जब शिक्षकगणों ने हमसे खुद कहा कि हम लोग आपस में सहमति बना लेते हैं कि देश भर के शिक्षकों की सहमति बन जाए तब कोई डेट डिसाइड करेंगे। दिलीप, मैं रोकना चाहूँगा, भारत गौरव ट्रेन जिसकी शुरुआत हो रही है पूरी तरह से निजी हाथों में ये ट्रेन चलेगा, लगभग बताएं आपको कि 200 के आसपास ट्रेन ये चलेगा, पूरी तरह से निजी हाथों में रहेगा, तो क्या ग्रुप डी जो है निजीकरण के कारण इसका बहाली नहीं हो पा रहा, आपको क्या लगता है? देखिए हम तो बोलते हैं तो बहुत लोग बोलता है कि ये ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन हम जो बोलते हैं ना परफेक्ट बोलते हैं, और आदमी को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। हमने 25 अक्टूबर 2019 को रेलवे के लिए आंदोलन किया था निजीकरण के खिलाफ, उस समय कुछ तथाकथित शिक्षक पटना के ही बोले थे कि दिलीप कुमार बाप फैला रहा है, इसको नेता बनना है, और रेल मंत्री ने भी नोटिस जारी कर दिया सब कोचिंग के आसपास, अगर जो स्टूडेंट्स उस समय यहाँ होंगे उनको पता होगा कि अफवाह फैलाया जा रहा है रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, रेल नहीं बिकेगा, और आज क्या हुआ, अब तो पता करना मुश्किल है कि कौन रेल बचा हुआ है सरकारी और कौन रेलवे स्टेशन सरकारी है। तो आज ही अखबार में मैंने भी ये चीज़ देखा कि अब निजी लोगों को ठीका दिया जाएगा कि रेलवे आप चलाइए, पटरी पर जैसे बस चलता है ना वैसे चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये रेलवे का जो वैकेंसी है ना कहीं मुझे तो लगता है कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, अगर कैंसिल नहीं भी होती है ना
तो हो सकता है सीट कम ना कर देते, तो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग उतर सड़क पे नहीं उतरते हैं, इसी तरह अगर घर बैठे रहते हैं ना दूसरे की आस में कि शिक्षक लोग बोलेंगे तब हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या शिक्षक लोग आपको वैकेंसी आई थी तो फॉर्म भरने के लिए बोले थे? शिक्षक लोग आपको घर जाके बोले थे कि आइए मेरे कोचिंग में एडमिशन लीजिए? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और आपको डर किस बात का है? सड़क पर उतरिए, ऑनलाइन ऑनलाइन आपको करना है, डिजिटल आंदोलन करना है, आप कीजिए, लेकिन अगर उससे नहीं होता सड़क पर आपको उतरना ही पड़ेगा। और अभी भी जो शिक्षकगण मीटिंग कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द आपको डेट डिसाइड कीजिए, अगर ऑनलाइन एक दिन करना है तो एक दिन कीजिए, चार दिन करना है चार दिन कीजिए, अगर उससे नहीं होता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट मस्ट है, हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे ही, और इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। देश का कोई भी संविधान ऐसा, संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमें अपने अधिकार से रोक सकता है। हमारा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का, और वो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर ये 1.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और 3 साल हो गया, आप क्या भरोसा करें कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा? और ऐसी बात नहीं है कि इस सरकार में वैकेंसी कम नहीं हुई है, 2015 में 2014 में जब सरकार बनी, 2015-16 में जो पहले से वैकेंसी आई थी सब कुछ हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग होना था, वहाँ पे एएसएम का 4,000-5,000 सीट कम कर दिया गया। तो क्या पता ये वैकेंसी रद्द कर दिए, कोई ठीक नहीं है, निजीकरण किया जा रहा है सब चीज़ का, तो फिर सरकारी स्टाफ का तो जरूरत ही नहीं होगा, तो वैकेंसी भी रद्द कर दिया जा सकता है या सीट कम कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब छात्रों को सोचना पड़ेगा, आखिर 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ हम समझौता कैसे कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ, और उनके लिए हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम जब BPSC के लिए आंदोलन करते हैं सड़क पर उतर सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, आपने देखा कि 25-30 लोग थे जो सहायक अभियंता वाले थे, उसके लिए हम जब बुलाया गया तो हम सड़क पर उतरे, कार्यपालक सहायक, तो वहाँ भी हम उतरे, तो हमको जहाँ भी गलत लगेगा हम सड़क पर उतरेंगे, हमको उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चूँकि देश के शिक्षकों का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि देश के शिक्षकगण इस पे सर्वसम्मति बनाए, और सर्वसम्मति से सब लोग एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक साथ आवाज़ उठाए ताकि सरकार तक आवाज़ जाए कि संपूर्ण देश के शिक्षक और छात्र एक हैं, और ये छात्र और शिक्षक का एक गठबंधन बन जाए और छात्र पे प्रेशर बने, और सॉरी सरकार पे प्रेशर बने, और सरकार जल्द से जल्द एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा करे। अन्यथा अगर शिक्षकगण सर्वसम्मति से एक फैसला नहीं ले पाते हैं तो हम तो फिर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं ही, हमको किसी से डर नहीं है, तो हम फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे और सड़क पे उतरेंगे, और जल्द ही हम पटना में मीटिंग बुलाएंगे छात्रों की, और उसी में तय होगा, छात्र जो कहेंगे वही होगा, हम नहीं कुछ करेंगे। अगर छात्र कहेंगे कि आंदोलन नहीं करना है तो आंदोलन नहीं होगी, छात्र जिस दिन डिसाइड करेंगे कि हाँ फलना दिन आंदोलन होना चाहिए रोड पे, तो उसी दिन देश भर में आंदोलन होगा। आप खुद दरभंगा में थे, वहाँ पे छात्रों ने खुद मुझे कहा था कि दिलीप भैया आप कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप खुद थे, आपकी कैमरा पे कहा था, मेरे पास दिन भर फोन आता है, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं क्या जवाब दूँ छात्रों को? लेकिन शिक्षकगणों को भी सोचना चाहिए कि मेरे भी धैर्य की सीमा है, मैं कितना दिन इंतजार करूं, छात्र को मैं क्या जवाब दूं? और हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो हमने सभी को बोल दिया, जो जो छात्र हमें फ़ोन करते हमने कह दिया है कि अभी देश भर के शिक्षकगणों की मीटिंग चल रही है, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं हम इसको देख लेते हैं, अगर एक डिसीजन हो गया सर्वसम्मति से तो हम लोग उसमें साथ देंगे और सब लोग मिल के आंदोलन करेंगे, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो, दोनों चलेगा, हम लोग उसमें साथ देंगे। अगर सर्वसम्मति से कोई डिसीजन नहीं होता है तो फिर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि देश का कोई नेता आगे आ जाए, दिलीप कुमार को आने की जरूरत नहीं है, हमको कोई शौक नहीं है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का, हमको शौक है कि 1,000 रुपया देख के भाड़ा आना जाना घर से। सोमवार को हम पटना में आए थे, रात को घर चले गए, आज बुधवार है, एक दिन घर पर रहे, फिर आज हम आए हैं पटना, अपना भाड़ा पैसा दे के ना आए हैं, भाड़ा किराया ऐसा तो नहीं कि कोई हमको पैसा दे रहा है, तो हम किस लिए आ रहे हैं? छात्रों के हित के लिए हम आए हैं, तो छात्र हित के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे पिताजी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी शिक्षकगण हो, अगर छात्र हित की बात वो नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है, ना ही उनका समर्थन करेंगे, और जो अति करेंगे हम उनका नाम भी सार्वजनिक कर देंगे कि ये लोग आके सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए छात्र हित सबसे ऊपर है। और आज मैं जो भी हूँ, जो भी लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ छात्रों की वजह से मुझे जानते हैं, वरना मुझे जानने वाला ऐसे कोई नहीं था। आज जो भी मुझे पहचान भी रहे हैं नाम से तो छात्रों की वजह से पहचान रहे हैं, तो उन छात्रों के साथ अन्याय होगा और दिलीप कुमार सहते रहे, चुपचाप रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये दिलीप कुमार कभी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इसमें मेरा कोई निजी हित नहीं है, मुझे कोई कोचिंग नहीं चलाना है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे किताब नहीं चलाना है, मुझे छात्र हित के साथ खड़े रहना है और छात्रों के हित के लिए लड़ना है। तो सभी शिक्षकगणों से हम हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, एकजुटता बनाइए, और कोई डेट डिसाइड कीजिए, डिजिटल आंदोलन करना है डिजिटल का भी, और डिजिटल से अगर सरकार नहीं मानती है तो फिजिकल प्रोटेस्ट अनिवार्य हो जाता है, तो वो भी हमको करना पड़ेगा और वो हम करेंगे। लेकिन पहले जैसा कि हम भी पहला दिन मीटिंग में थे तो सर्वसम्मति यही बन रही थी कि पहले डिजिटल प्रोटेस्ट एक दिन किया जाए, और डिजिटल प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानती है तो फिजिकल प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। तो उसी पर हम लोग चाहते हैं कि सभी शिक्षकगण सहमत हो जाए,
कि कोई एक डेट डिसाइड करे लगातार तीन दिन चार दिन का, कि लगातार तीन दिन चार दिन ऑनलाइन चले, फेसबुक ट्विटर सब जगह चले, और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। और उसमें जिन शिक्षकों को लगता है कि हाँ छात्रों के साथ गलत हो रहा है, हमें साथ देना चाहे तो वो साथ दे, सड़क पर आके हमारे साथ आंदोलन करे, और अगर सड़क पर आके आंदोलन नहीं कर सकते, उनकी कुछ मजबूरियाँ हों, तो फिर कम से कम वीडियो तो बना के आप समर्थन कर सकते हैं, छात्रों से अपील कर सकते हैं जाने के लिए, सरकार से आप अपील कर सकते हैं कि हाँ आप ग्रुप डी के परीक्षा की तिथि जल्द घोषित कीजिए, एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना। अगर जो टीचर इतना भी नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, आपका व्यू देख के, छात्रों का व्यू देख के उनको पैसा मिलता है। और बस हम खुलेआम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम खुलेआम कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक, चाहे वो यूट्यूब पर हो या ऑफलाइन हो, अगर छात्र आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं खुलेआम वीडियो बना के हो या क्लास में, तो समझ जाइए कि उन शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, छात्रों के सिंपैथी से मतलब है, और उनको अपना बिजनेस चलाना है। वरना जिस छात्र की वजह से आज करोड़ों कमा रहे हैं, उस छात्र के हित में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। जिस वैकेंसी के लोग के चार बार पांच बार बैच चल चुका है, उस वैकेंसी को पूरा कराने के लिए और परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए एक बार वीडियो बना के नहीं डाल सकते हैं कि हाँ, कि सरकार से अपील नहीं कर सकते कि आप डेट घोषित कीजिए? आप कंगना रनावत पे और पाकिस्तान और चीन पे या फलना फलना पे बोल सकते हैं, किसान आंदोलन पे बोल सकते हैं, और दूसरा चीज़ पे बोल सकते हैं, शराबबंदी पे बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी का परीक्षा घोषित नहीं हो रहती थी उस पर आप नहीं बोल सकते हैं? तो छात्र सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो सभी शिक्षकों से हम हाथ जोड़ के बार बार इसलिए हम विनती कर रहे हैं, हम सभी शिक्षकों का आदर करते हैं, लेकिन आदर भी एक लिमिटेशन में होता है। भीष्म पितामह भी अपने गुरु का आदर करते थे, लेकिन जब धर्म की बात आई तो गुरु जी से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए और तीर तान लिए। तो हम भी वैसे ही हैं, हम शिक्षक का आदर करते हैं, लेकिन जहाँ छात्र के साथ गलत होगा, वहाँ अगर कोई शिक्षक भी गलत करेंगे छात्र के साथ, तो वहाँ हम शिक्षक से लड़ जाएंगे, उसमें हम थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे। तो 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और शिक्षक जो हैं वो ही अभी नहीं कर पा रहे हैं एक राय कि आखिर करना है तो क्या, और लगातार जो है बैठकों का दौर चालू है, तो जल्दी किसी न किसी परिणाम पे आना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बीच में पीस रहे हैं छात्र, जवानी उनकी ही बर्बाद हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।